सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं हां तुहाडे नाल अनु चोपड़ा। इस वेले दी वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां। दस्सदे कि कश्मीर दे राजौरी इलाके दे विच सुरक्षा बलों ते अतवादियों दे विचकार मुठभेड़ हो रही है। जी हां, लगातार पिछले 6 घंटिया तों इह मुठभेड़ चल रही है ते दस्सदे कि पिछले 3 दिनां दे विच कश्मीर दे विच 3 एनकाउंटर हो चुके ने। लगातार यह सिलसिला जारी है ते अज इक फिर जिहड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, सवेरे जिहड़ा है ये पुलिस दे वल्लों यह एनकाउंटर जिहड़ा है शुरू किया जाता है, या कह सकते हैं मुठभेड़ जिहड़ी है शुरू होंदी है सवेरे 7:30 बजे, जद पुलिस नूं जिहड़ा है फौज नूं यह जानकारी मिलती है CRPF की टीमों के वलों कि अतवादियों का जिहड़ा गिरोह है उत्थे लुकिया होया राजौरी के इलाके दे विच उत्थे है। तो उस तो बाद जद फौज उत्थे पहुँचती है, कह लो जद उत्थे सुरक्षा बल पहुँचते हैं तो उस तो बाद उन्होंने वलों घेराबंदी कर ली जाती है उस इलाके की, तो उस तो बाद फायरिंग की जाती है अतवादियों के वलों जद सुरक्षा बल उत्थे पहुँचते हैं, तो जिस तो बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों के वलों भी फायरिंग की जाती है, जिस तो बाद यह मुठभेड़ लगातार हले तक चल रही है। तो इस सब के विचाले 2 जवान शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, दस के इस मुठभेड़ के विच जो खबर निकल के सामने आ रही है उस दे विच 2 जवान शहीद हो चुके ने, एक अफसर ते उस दे समेत 4 जवान जख्मी दसे जा रहे ने, गंभीर जख्मी दसे जा रहे ने वो लोग, ते उन्होंने सट्टा लगिया ने। लेकिन हुण इस पूरी मुठभेड़ दे विच दस के 2 जवान शहीद हो चुके ने। पिछले 3 दिनों दे विच कश्मीर के पूरे इलाके दे विच 3 एनकाउंटर हो चुके ने। बीते दिन बारामूला दे विच जिहड़ा है 2 जवानों नूं ढेर किया जाता है सुरक्षा बलों के वलों, लेकिन अज सवेर एक बार फिर तो एक वापरती है जद पुलिस नूं जिहड़ा है सुरक्षा बलों नूं जानकारी मिलती है कि अतवादियों का गिरोह जिहड़ा है उत्थे लुकिया होया इस इलाके दे विच, जिस तों बाद घेराबंदी कर ली जाती है। तो यह मुठभेड़ लगातार सवेर 7:30 बजे तो चल रही है, तो करीब 6 घंटे का समा हो चुका है हले तक, तो मुठभेड़ लगातार चल रही है। कि दस दे कि नवी जानकारी जो निकल के सामने आ रही है इस दे विच दसिया जा रहा है कि यह आतंकियों का गिरोह जिहड़ा उत्थे लुकिया होया जिस दे विच मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों ते अतवादियों के गिरोह जिहड़ा है उस दे विच 2 तों 3 बंदे इहो जिहे शामिल ने जो कि पुंछ हमले दे विच सीगे। जी हाँ, जिन्हों का नाम पुंछ हमले दे विच सामने आ रहा है, जिस दे विच शहीद होए सी काफ़ी जवान, तो उस दे विच इन्हां अतवादियों का नाम सामने आ रहा है जो कि हले मुठभेड़ चल रही है उन्हां दे विच जिहड़े अजिहे कुछ अतवादी शामिल ने जिन्हों का नाम जिहड़ा है पुंछ हमले दे विच जुड़िया होया, तो लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों के वलों कि इन्ह आतंकियों के उत्ते काबू पाया जा सके, या कह सकते हैं कि एनकाउंटर जिहड़ा वह किया जा सकता है। मौके पर किहो जी है कह सकते हैं हालात बनने, वो आने वाला समय दसेगा, लेकिन दस के हले तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उस दे मुताबिक इस पूरे हमले दे विच कह सकते हैं पूरी जो मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों ते आतंकवादियों के विचाले अतवादियों के विचाले उन्होंने 2 जवान जिहड़े वो शहीद हो चुके ने, ते 4 जवानों के समेत एक अफसर भी गंभीर जख्मी दसिया जा रहा, उन्होंने लवी जिहड़ा इलाज किया जा रहा है। तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं उत्थे दीआं जिथे यह मुठभेड़ चल रही है, लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है हालातों के उपर सुरक्षा बलों के वलों, तो बाकी जिहड़ी जानकारी है आते हुए समय की वह भी जो जरूर सांझी करांगे। जुड़े रहो अजीत वैब टीवी के नाल।